अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेर शायरी का जौक तो है, अच्छे शेर सुन भी लेते हैं। न्यू ईयर के बाद एक व्हाट्सएप पे चीज़ वायरल हुई, बड़ी अच्छी लगी, तो सोचा कि आज वो सुनाता हूँ। कुछ यूँ है कि नतीजा फिर वही होगा, सुना है साल बदलेगा, परिंदे फिर वही होंगे, शिकारी जाल बदलेगा। बदलना है तो दिन बदलो, बदलते क्यों हो हिंसों को, महीने फिर वही होंगे, सुना है साल बदलेगा। वही हाकिम वही गुर्बत वही कातिल वही जालिम, बताओ कितने सालों में हमारा ये हाल बदलेगा। अब दुख इस बात का है और सोचना इस बात के लिए है कि बदलेगा भी कि नहीं बदलेगा, क्योंकि दिन ब दिन क्वालिटी ऑफ लाइफ नीचे चली जा रही है, महंगाई ऊपर जाती जा रही है, क्राइम रेट वक्त के साथ साथ बढ़ता चला जा रहा है। अब तो और आसानी हो गई, वो सीसी फुटेज में दिखाते रहते हैं, फलानी गुलशन इकबाल की गली में आई, आपको दिखाते हैं वाकया। हाँ, वो बंदा घर जा रहा है तो वो अच्छा। फिर ये है कि जो इनैक्टमेंट्स को चैनल्स दिखाते हैं वो क्राइम के ऊपर ही दिखाते हैं, इंटरटेनमेंट के एलिमेंट। ड्रामों में भी डिप्रेशन है, कॉमेडी में एक दौर में ड्रामे बना करते थे बेइंतहा, कॉमेडी शोज हुआ करते थे बेइंतहा, अब वो भी आपको नजर नहीं आते, वो कुछ लैंग्वेज बैरियर्स की नजर हुए हुए हैं। हमने तो कोशिश की कि हम इसको मिक्स एंड मैच करके चलाएं ताकि लोगों को समझ में आए। शिस्तगी खत्म होती चल रही, वाइल्डनेस ब्रुटेलिटी बढ़ती चली जा रही है सोसाइटी में। बिल्कुल है। वेयर आर वी गोइंग, व्हाट आर वी डूइंग, व्हाट इज हैपनिंग। सर, ये जो आपने कॉमेडी की बात की ना कि कॉमेडी खत्म होती जा रही, कॉमेडी सुकड़ के जो है ना वो अब 15 सेकंड 17 सेकंड की रह गई। उसमें भैया वो तो रह गई है, आप अब ये देखें ना, हंसाना मुश्किल हो गया। बिल्कुल, आप किसी के चेहरे पे बात करें तो वो फिर एक तंजीम खड़ी हो जाती है, बॉडी शेमिंग की तंजीम खड़ी हो जाती है। हालांकि नुमान सर, एक सर्वे आया था कि इस कौम के बारे में ये था कि ये आप देखिए कि ये हर हाल में हंसने के शौकीन थे हम लोग, लेकिन यकीन करें हंसी नहीं आती है, और कई दफा हम इतना हंसते थे कि मुझे तो एक दफा हंस के कसम से बुखार हो गया था, बस नजर ही लग गई। अब किधर गए जमाने, बस ये वाली नजर लग गई। खुदकुशी कर रहा था, बड़े मियां ने रोक लिया, बोला बेटा खुदकुशी हराम है। वो कह रहे बड़े मियां पहले मेरे हालात तो सुनो, बड़े मैंने उसके हालात सुने, बड़े मैंने पुल से खुदकुशी कर ली। चलिए बुलाते हैं आज के मेहमान, इससे पहले के इनको बुखार चढ़े, इनको बुखार चढ़े हंस हंस के, क्योंकि बहुत फनी बातें करते हैं बरकत साहब और उसमें साहब। आज की हमारी फनकारा, ब्यूटीफुल वॉइस, ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग, मोहतरमा परिहा परवेज साहिबा, उनके साथ तशरीफ लाते हैं हमारे यंग मॉडल हैं जनाब मोहम्मद अली सुभानी साहब जी। बहुत अच्छी सम पे आपने बंद किया। अस्सलाम वालेकुम। जब भी कोई गायक आते हैं हमारे पास तो हम थोड़ा सा वैसे ही हो जाते हैं सारे के सारे। जी 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 जी। कैसी तबीयत है फरिया? मैं ठीक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फरिया साहिबा से अगर मैं शुरू करूं, ये तुसी सेट हो गए होते। फरिया परवेज साहब आज भी वैसी की ग्रेसफुल, शुरू से ग्रेसफुल। मुझे अच्छी तरह याद है 30 साल पहले, अप्रोक्सीमेटली 30 साल पहले। हाँ हाँ, तब तो आतिश भी जवान था। तो सरकार ने एक्टिंग में कदम रखा था। अच्छा। और मैं ये सोचता रहा कि मैं क्या यार ये तो एक्टिंग में आ गई, ये नहीं पता था, क्योंकि खालाएं वालदा सब इसी फील्ड से। तो बट देन आई सी हर डिसअपीयरिंग फ्रॉम द स्क्रीन एंड कमिंग एज अ सिंगर आउट, ये क्या चक्कर हुआ? नुमान बस ऐसे है, जाहिर है सारी फैमिली ऑलमोस्ट एक्टिंग में थे सारे। और आप कुछ अनयूजुअल करना चाहते थे? गाना वॉज विद मी सिंस आई वॉज 2-3 साल की जब मैं थी। 2-3 साल की उम्र में तो मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। आपको याद है अभी तक कि आप गाना गाती थी? हाँ जी, मैं बिल्कुल गाती थी। आई थिंक 2 साल की उम्र में पहला गाना, क्लास में होंगी मैं। कौन सा गाना गाया पहला? एक स्कूल था मेरा, उसके लिए जो प्रिंसिपल थी उसने कहा कि गाना बनाना है हमने, और वो उन्होंने गाना बनाया। हाँ। मैंने गाया और वो माशाल्लाह गाना जो है वो मेरे फादर देख रहे थे, मेरी अम्मी आई हुई थी, सब लोग बैठे हुए थे, और सब वो उन्होंने दैट वेरी डे दे थॉट के यकीनन ये कुछ ना कुछ सीन तो ये आगे जाके वक्त पाएगी सानू। हां बिल्कुल, वक्त वाली बात है वाकई। मेरा ख्याल है नुमान गाना आपके अंदर होना पड़ता है, इट हैज टू बी देयर।
ये नहीं हो सकता कि हाँ जी अचानक मैं किसी से निकाल के दे दूं आपको, बिल्कुल सही वो होना चाहिए। हाँ। थोड़ा सा तो होगा तभी जाके हम पॉलिश करेंगे और तभी हम। और फिर ये पॉलिशिंग कब शुरू हुई इसकी? 92-93 से मैंने सीखना शुरू किया, क्लासिकल सिखाना शुरू किया ग्वालियर घराने से मेरे उस्ताद थे मास्टर फिरोज गिल साहब, और उन्होंने स्थाई अंतरे शुरू कराए एंड इट वॉज मतलब अमेजिंग एक्सपीरियंस, क्योंकि मैंने वो स्थाई अंतरे कभी गाए नहीं थे, जैसे भैरवी है फर्स्ट करते हैं, और भैरवी का अगर वह है कि सारे बाट चलत नई चुनरी बनवारी रे ऐसो है न डर आरना ra 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 la ra la ra la ra la ra la 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 ri la ri 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 la ra la la ra e more ram e more ram e more ram to wow wow jab ye duniya khuli to ek badi hairani ki baat thi kyunki us waqt main sirf melody yaad kar rahi thi uske baad sur khulne shuru hue के बाद उनकी आवाजें समझ में आना शुरू हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता साथ ही इत्तेफाक से अल्लाह ताला ने पता नहीं प्रोड्यूसर्स के साथ काम करी थी मैं, यूज़ टू सिंग जिंगल्स फॉर अ कंपनी, दे स्टार्टेड मेकिंग कि जी हम एल्बम बनाना चाहते हैं, वी रियली लाइक योर वॉइस, वाह वाह वाह, एंड दे रिलीज एन एल्बम एंड देयर वाज पतंगबाज इन इट, एंड इसमें भी हर तरह के गाने मैंने गाए। और आपसे ये पूछूं कि लाहौर से अंदरून शहर से वलायत तक का सफर, यूके तक का सफर, ये कब हुआ और कैसे हुआ? ये 2010 में हुआ, ये इंटर का अभी एग्जाम आए भी नहीं थे, तो पापा ने कहा यहाँ तो लम्स में पढ़ लो या बाहर चले जाओ, मैंने कहा लम्स में पढ़ा दो, उन्होंने फिर भी कहा यार इधर तू ना जाया हो जाएगा, तो पाँव पे खड़ा हो जा यूके जा, तो उन्होंने मुझे यूके भेज दिया। तो मैं 18 साल का था उस वक्त, तो मैं 2010 में यूके चला गया पढ़ने के लिए और पढ़ के वापिस आ जाना था, यही सोचा हुआ था, लेकिन अब 11 साल हो गए हैं, अभी भी यूके में हूँ मैं, और फिर अब जो है करियर स्टार्ट हो गया बीइंग अ मॉडल। जिस काम के लिए अब्बा ने भेजा था वो कीता भी है कि नहीं? वो बहुत अच्छी तरह किया है, मास्टर्स तक फाइनेंस में मैंने किया, फिर मैंने बैंक में भी 1.5 साल काम किया वहाँ पर माशाल्लाह एज अ पर्सनल बैंकिंग मैनेजर, तो वो भी देख लिया कि क्या होता है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक जल्दी से ले लेते हैं। वेलकम बैक टू जी सरकार। प्रिया साहिबा, फोक आपने गाया, पॉप आपने गाया, क्लासिकल आपने गाया, गजल भी गा दी, ठुमरी गा दी, ठुमरी भी गा दी, जी जी जी, व्हाट नॉट, आई एम रियली ब्लेस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब आपके गिर्द-ओ-नवा में यंगस्टर आके परफॉर्म कर रहे होते हैं और गा रहे होते हैं, हाउ डू यू फील? पता नहीं, अब मुझे मेरा दिल चाहता है असर हो, बस जो भी आप सुन रहे हैं कुछ अच्छा कोई गा रहा है तो उसमें असर नजर आना चाहिए, और जाहिर है मैंने जब स्टार्ट लिया मुझे भी पता है कि इंसान कैसे कैसे किस किस स्टेज से गुजरता है, तो वो इसलिए मैं इस तरह से भी अब देख रही होती हूँ कि यार इसको भी पता नहीं है ये कैसे चलेगा, अब आगे क्या होगा, इसकी जिंदगी में और कितने स्टेजेस आएंगे, यू नो, इसलिए आई रियली आई एडमायर एवरीबॉडी। एक टर्मिनोलॉजी होती है कि पुराना हो गया, ये आवाज के हवाले से भी कहा जाता है कि ये आवाज पुरानी हो गई है? नहीं, वो तो एक मुहावरा है ना कि आंखें और आवाज कभी बूढ़े नहीं होते। आई एग्री विद, हाँ जी, लेकिन चश्मा लग जाता है उसका क्या? जो छुरियां आ जाती है तो आंख तो वैसी रहती है, देखने की बात कर राइट। सो 11 साल से बर्तानिया में मास्टर्स कर लिया, बैंक में जॉब कर ली, हाउ कम दिस मॉडलिंग थिंग केम इन योर लाइफ? मॉडलिंग एक्चुअली स्टार्टेड इन 2007, खावर भाई स्काउटेड मी इन मरी, आई वाज जस्ट 15, कि मॉडल बन जाए। मैंने कहा, मैं उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था कि भाई क्रिकेटर बनना है, ये कोई नहीं शौक था, पढ़ाई का भी इतना नहीं था, सिर्फ क्रिकेट। तो फिर मैं ऐसे एक दिन चला गया खावर भाई के पास, उन्होंने पोर्टफोलियो कर दिया, फिर वहां से थोड़ा सा ना क्रेज हुआ कि यार ये भी मजेदार दुनिया है, और फिर ये नहीं पता था कि आहिस्ता आहिस्ता करके जो मैंने अचीवमेंट्स पाकिस्तान एज बीइंग अ पाकिस्तानी हासिल की वो आज तक किसी ने नहीं किया। उनमें से कुछ अचीवमेंट्स का जिक्र करना चाहेंगे आप? मैं बता सकता हूँ, उसमें सबसे नंबर वन था कि आई वॉज द ओनली गाय हु वॉज द कवर बॉय ऑफ हाफिज बाजार, और पहला ब्राउन लड़का था एशिया में पूरा, ना कोई इंडियन ना कोई बंगाली, उसमें मैं सबसे पहला था। अभी हमारा जमीर बता रहा था कि हॉटेस्ट
मैन का भी आपको खिताब मिला जी, मुझे होए, होए, तो वो मेरा जमीन मुझे बताया था कि नोमी भाई आप टेंशन ना लें, हमारे लिए आप भी उतने ही हॉट हैं। मैं कहा बेटे अब हॉट कहाँ, अब तो हॉट पॉट हो गए, अब तो पॉट बार आ गया। अब तो ये हो गया कि कुछ मोहब्बत में भी कमी थी, कुछ बाहर निकली भी कमी थी। तो हाउ डू यू फील व्हेन यू आर गिवन दिस टाइटल? इट्स लाइक कि मैं ज्यादा खुश इस बात पे होता हूँ कि आई एम द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि हमारी उस इंडस्ट्री में यूके की स्पेशली मेरे जैसे लोग नहीं हैं, ब्राउन स्किन के लोग नहीं हैं। तो अब बीबीसी ने कवर किया, इस तरह के कुछ और चैनल ने मुझे कवर किया, तो वो यही कह रहे हैं कि आई बीइंग द ओनली पाकिस्तानी जो कि दुनिया में काम कर रहा है। सारी दुनिया में आपने भी परफॉर्म किया जी जी जी, कभी कोई ऐसा लकब नहीं मिला? वेरी हॉट सिंगर, बड़े बड़े माशाल्लाह प्यारे लकब में, प्रेजेंटेशन के लिहाज से भी देखा जाए अल्लाह ने बड़ा नवाजा माशाल्लाह। इतनी सारी फिल्मों में प्लेबैक सिंगर जी 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 जी, आज के दौर में जो फिल्में बन रही हैं आप कम नजर आती हैं उधर, कैन यू टेल मी द रीजन व्हाई? आई थिंक बिकॉज़ माशाल्लाह मैंने नुमान अभी रिसेंटली तकरीबन 3-4 साल से आई टुक अ ब्रेक, थोड़ा सा मैं योरसेल्फ टुक अ ब्रेक जी डिलिबरेटली जी 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 बिल्कुल, और जस्ट बीइंग सिलेक्टिव। कितना सिलेक्टिव हो गया, घर में भी नहीं गाती मतलब? घर में तो नहीं, घर में गाते हैं क्योंकि आपको पता है जब लगा होता है ना एक वो तो गाना निकल ही जाता है। अचानक फिर ये हुआ कि सोचते सोचते फिर फाइनली कोरोना आ गया, तो अचानक से एक बिजनेस का ख्याल आया कि बिजनेस किया जाए, व्हाई कांट आई ओपन अ ब्यूटी सैलून, जो मेरा जिंदगी में कभी कोई ख्याल नहीं था। तो ऐसे काम में क्यों हाथ डाला जिसमें कभी ख्याल नहीं था? बिकॉज मैं स्विट्जरलैंड चली गई थी कुछ अरसे के लिए, एंड आई डोंट नो व्हाई आई स्टार्टेड लर्निंग हेयर कटिंग स्विट्जरलैंड में। यस वाओ, अच्छा फिर? और माशाल्लाह मैं सैलून पे बाल भी काट रही होती हूँ और मैं हेयर डाई माशाल्लाह कर रही होती हूँ। मुझे ये सब करने के बाद ये मुझे ऐसे लगा कि इंसान इसका मतलब है कि जो चाहे वो कर सकता है। यस, जब आपने अपने आप को एक्सप्लोर करना छोड़ दिया तो फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। इसीलिए फिल्में की? बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि मेरी नजर में ये है कि यार मॉडल की जो लाइफ है ना वो कुछ ईयर तक ही चलती है, जब तक आपके पास बॉडी छोटी है, शक्ल सूरत है, वो अलहदा बात है कि आप कंसिस्टेंट है तो आपके पास ये दोनों चीजें थी, कोशिश की है बनाने की। अच्छा। वो ना वो वन पैक नहीं सिक्स पैक वाला सीन बनाया। वाओ वाओ, एंड हाउ हार्ड वाज इट? इट इज वेरी हार्ड, इट इज वेरी हार्ड, यू नीड डिसिप्लिन, उसके अलावा कुछ नहीं, स्पेशली बीइंग देसी और अंदरून का बच्चा, यू नो बहुत मुश्किल है कि अम्मी की वो करेले गोश्त को ना करना और सूखा चिकन खाना, वो बड़ा मुश्किल होता है, आप तो समझते हो। ये तो कुछ अपनी सी आवाज लगी करेले गोश्त। कौन कौन सी फिल्में की आपने? मैंने अभी तक 3 मूवीज की हैं, लेकिन मैंने तीनों की तीनों इंग्लिश मूवीज की हैं। बोल लेते हैं आप इंग्लिश? कोशिश करते हैं। अच्छा, थोड़ा बोल के दिखाएं, थोड़ा भाई को टेस्ट करवाएं जरा। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हमारी लैब है ये। तीन में क्या कैरेक्टर्स थे आपके? एक में मेरा कैरेक्टर था बेगर का, एक वो किया, फिर एक मैंने एक बिजनेसमैन, इंडियन बिजनेसमैन का किया है, फिर उसके अलावा एक और नेटफ्लिक्स का प्रोजेक्ट मैंने पकड़ा है, वो मैं करके भी शूट करके आया हूँ। ये अच्छा जुमला बोला ना, पकड़ा। सही है, मेरी नजर कमजोर है, यहाँ मिली अपॉर्चुनिटी ड्रामास में या किसी फिल्म में? अपॉर्चुनिटीज एज सच मिलती हैं, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा क्योंकि वो जो रोल्स आते हैं ना वो आते हैं बॉयज नेक्स्ट डोर के, वो जो होते हैं ना खूबसूरत सा प्यारा सा लड़का, वो मुझे करना ही नहीं है। क्यों, आपको भरोसा नहीं कि आप खूबसूरत हैं? यार वो बात नहीं है, बात है कि करेक्टर सारे सेम ही कर रहे हैं। अच्छा। मुझे करेक्टर वो चाहिए तो थोड़ा मेरी पर्सनैलिटी के ऊपर हो, जो मुझे पूरी उसके लिए रिसर्च करनी पड़े, पूरा मुझे उसके लिए ना। मेरी जान ये तो गलत मार्केट में आप बैठे हैं। हाँ। The thing is, वहाँ आपको वक्त दिया जाता है टू अब्सॉर्ब दैट कैरेक्टर बाय डूइंग योर रिसर्च, यहाँ वो सिस्टम नहीं है। मैंने जो बैगर वाला किया, पट गया फटाफट तलाक। मगर कोई बात नहीं, एक साल के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप ऐसे हमारे सिस्टम में आ जाएंगे। जाहिर है क्योंकि साडा सिस्टम तो बदलना कोई नहीं। फिर आप यहाँ तमाम चैनल से मांग रहे होंगे भाई मेरी पेमेंट, भाई मेरी पेमेंट। इतना खूबसूरत गाना, इतना खूबसूरत त्योहार, बसंत ही आपका एक ट्रेडमार्क। जी जी जी, मुझे याद है कि किसी घर की छत पे ये गाना ना बज रहा हो, दिल हुआ मुंह में गुटखा दबाए पटांगो बाटा, मुंह में गुटखा दबा के कराची मीम बनी, कितनी कितनी उसकी मीम आज भी बनती है। जी जी जी, हाउ डू यू फील?
I loved it. मैं I was in the air जब मशहूर हुआ और अचानक मुझे दो बंदे गुजरे होने का फरिया पर भेज मैं गया यार मेरा नाम क्यों ले रहा है यार कौन है रिश्तेदार तो नहीं कोई तो इस तरह करते करते पूरी दुनिया में आपका नाम हो जाना बात वही आ जाती है सिस्टम की सिस्टम बदलेगा ही नहीं तो बहुत सारी चीजों के एंगल्स कभी चेंज नहीं होंगे इतनी प्यारी त्योहार है इतनी खूबसूरत इतने लोगों का लाखों लोगों का रोजगार जुड़ गया था मगर तरीका बहुत गलत है ना नौमान अगर आप डोर की जगह बिल्कुल तारे मारे किसी बाहर लेने नहीं मारे आप अंदर लेने मारो तो अगर मैं दरखास्त करूं यही बसंत वाले का वैसे ही गुनगुना दे अच्छा तो इसका बड़ा ही ट्रिकी है तो दवा कर रहे हैं हाँ। अच्छा मुझे ये बताएं नहीं रहने दो अड्डा नहीं अजय कभी एक दिन पार देता सुनाना सुना शो में आई है पड़ोस से सालन लेके आई है डालेंगे हाँ जी ऐसी नजरों से डाले तनावा कोई रब्बा दसे किथे जावा प्यार वाली हवा पर जोर लगा पीछा तो मच गया शोर के दिल हुआ वो काटा 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 निसाजन के दिल में समाओ दिल ये चाहे पतंग बन जाऊं मुझको डाले मोहब्बत की डोर लगा बेचा तो मच गया शोर के दिल हुआ के दिल हुआ वो काटा यहाँ वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का कहीं मत जाइएगा वेलकम बैक टू जी सरकार जी प्रिया प्रवेश साहिबा मोहम्मद अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं प्रिया जी वैसे हुआ कभी दिल वो काटा ये मोहब्बत ये पूरा शो डिपेंड करता है पहली मोहब्बत पहली मोहब्बत अच्छा बचपन की मोहब्बत हाँ बचपन की मोहब्बत बचपन में जब मोहब्बत होती थी ना तो ऐसा लगता था यार अगले हफ्ते ही शादी हो जाएगी बचपन की मोहब्बत इतनी पावरफुल होती थी मैडम यू आर एग्री जी ना नहीं हमारे एक डाकिया भाई हैं वो किसी न किसी का पैगाम लेकर आते हैं और हमारे प्रोग्राम में डाकिया डाक लाया तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम उनको बुलाएं देखते हैं आज वो किसका पैगाम लाए आए जी तशरीफ लाइए हमारे डाकिया भाई जी अस्सलाम वालेकुम सरकार कैसी तबीयत है आपकी किसका पैगाम लाए सरकार आज पैगाम जो है वो एक बंदे ने दिया है सरकार के नाम अच्छा सरकार ने एक बड़ा ही खूबसूरत त्योहार जो है वो हमसे छीन लिया अरे लल्ला अच्छा बसंत के वाले हाँ नहीं लोग दस कानूनी बजा यार टाइमिंग हो गई देखें हाँ हाँ माशाल्लाह वो कहता है कि वरियां तो कई लंगे वार वाह किथे गई ओ बसंत बहार वाह इको ते त्योहार सी ऐसा जिदना सब नु प्यार सी ऐसा जिसदा चढ़ना रज बुखार किथे गई ओ बसंत क्या बात है ते काला बदल चिट्टे गुड्डे डांगा चुक जवान ते बुड्ढे डोर ना जानी छतों पार किथे गई ओ बसंत बहार ते मजे मजे दे पकने खाने राती छत ते टिक्के लाने टिक्के लाने टिक्के लाने ते डीजे वीना मननी हार किथे गई ओ बसंत बहार ते लड्डू चलने चलनी खीर पैना दे कर आने वीर रीज ना होना सब ने तैयार किथे गई ओ बसंत बहार क्या बात ते विच आसमानी पेचा पैना दूर भी ना वेखी जाना ते सिर ते चुकना सारा घर किथे गई ओ बसंत बहार ते हर उंगल ते टेप चढ़ानी चीरे ही इन्हें दो काटा दी वाज भी लानी ढोल भी बजने वारो वार किथे गई बसंत बहार ते एक बंदे ने पेचा लाना एक ने चरखी नू कमाना भंगड़ा पौना रल के यार किथे गई ओ बसंत बहार
ते कित्थों आ गई कैमिकल सी जिन्ने वड्डे आण आले कल सी खलो गई अग्गे बन के पहाड़ किथे गई ओ बसंत बहार ते ए तहवार ना बंद करो बेहतरी दा कोई पाबंद करो दफनाओ ना डर के दिन दयार वाह जी वाह किथे गई ओ बसंत बहार बहुत अच्छी यकीन मानिए आप तो लाहौर शहर के उड़ाते होते थे पतंगबाजी का शौक था मैं तो बहुत बड़ा अपने मोहल्ले का गुड्डा था मतलब बहुत ज्यादा वो था ना बच्चों में एक मशहूर बच्चा होता है जो कि हर बंदे का गुड्डा तोड़ देता है वो मैं था अच्छा तो बचपन में तो सारा अब्बू से इतनी मारे खाई हैं इतनी मारे खाई हैं जिसकी कोई हद नहीं मेरी सबसे बड़ी सजा होती थी कि संडे को छत पे नहीं जाने देना नहीं हमारे दौर में ना जुमे की छुट्टी होती थी मुझे याद है अच्छी तरह आपके दौर में जुमा कहाँ था हमारे दौर में ना जुमा आता था मेरे ख्याल में जुमेरात के बाद सुफियाना कलाम आपने बड़ा गाया और बड़ा अप्रिशिएट हुआ बाबा बुल्ले शाह का कलाम जी वो, और वो इतना हिट हुआ वो इतनी क्लिप हिट वो क्लिप आपकी इंडिया चली गई वो हाँ जी और पहली दफा आपको वहां से ऑफर मेरी दिया इतनी ख्वाहिश थी सारी जिंदगी कि मैं इंडिया जाऊं और मेरी कभी ये नहीं था कि फिल्म में गाना आ जाए या कुछ हो जाए आई ऑलवेज प्रेफर्ड कि मुझे लाइव गाना गाना अगर मैं कहूं कि वो बाबा बुल्ले शाह वाला वो सुना दे जी 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 प्लीज प्लीज, प्लीज। इलम पढ़िया अशरफ ना होवण जेड़े होवण असल कमीने पित्तल कदी नहीं सोना बनदा पावे जड़िए लाल नगीने शूम कदी नहीं सदका पावें हो बन लख खजीने बुल्ले शाह बाज तो हीद नहीं जन्नत मिलनी पावें मरिए विच मदीने मक्के गया गल मुख दीना पावे सौ सौ जुमे पढ़ाइए गंगा गया गल मुख दीना ही पावे सौ सौ गोते खाइए बुल्ले शाह गल तायो मुख दी जदों मैनू दिलों मुकाइए सिर ते टोपी ते नीयत खोटी लेना की टोपी सिर तर के तस्बी फिरी पर दिल ना फिरिया लेना की तस्बी हाथ फड़ के चिल्ले कीते पर रब ना मिलिया लेना की चिल्लिया बिच बढ़ के बुल्ले जाग बिना दूध नहीं जमदा पावे लाल होवे कड़ कड़ के नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल जाना जोगी दे नाल कन्नी मुंदरा पाके कन्नी मुंदरा पाके मथे तिलक लगा के नी मैं जाना जोगी दे नाल नी मैं जाना जोगी दे नाल ए जोगी मेरे मन बिच वसिया ए जोगी मेरा जूना खसिया सच आखा मैं कसम कुराने जोगी मेरा दीन ईमाने जोगी मेरे नाल ना नहीं
जोगी दे नाल ना जोगी मेरे नाल नाल मैं जोगी दे नाल नाल जोगी दे नाल नाल जोगी दे नाल नाल जोगी दे नाल नाल बस वेलकम बैक टू जी सरकार। कामे जी क्या कहते हैं मेरे दोनों सितारों के सितारे? अच्छा जी, बड़ी प्रैक्टिकल दिमाग की खातून है और मुझे पता नहीं क्यों लगता है, अल्लाह ना करे परमानेंट सेटलमेंट इनकी बैरून मुल्क हो जाए, लेकिन इनके पास एक और नेशनैलिटी बहुत क्लियर नजर आती आती हुई। रूहानियत का जो कार्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और अगर आप इनके साथ बैठे तो आपको थोड़ा सा अंदाजा भी हो जाएगा कि थोड़ी सी लॉस्ट सोल है। एक सोल होती है जो किसी की तलाश में होती है, वो जो लालटेन लेके निकल जाती है, डाक बंगला नहीं है। लेकिन कितना अच्छा म्यूजिक दिया बैकग्राउंड। आप ग्रो करता देखेंगे इनको जो, और ये हमेशा फेम इनको कभी भी बैक स्क्रीन नहीं ले जा सकता, इन पे आते हैं। हाँ, बिल्कुल आते हैं ना। इनका बड़ा इंटरेस्टिंग सितारा लव लाइफ में, पता नहीं इतने क्यों तजर्बे इस बच्चे ने छोटी सी उम्र में कर डाले। पुराने कारीगर हैं। एक के बाद एक ब्रेकअप, एक के बाद एक ब्रेकअप। बाबू आप पूछिए कि क्या वो टिकती नहीं थी या अभी इनके अंदर ठहराव नहीं आया, ये आप पूछिए। लो जी बताइए ये क्या माजरा है। बस कोशिश इंसान का काम है करने, हम करते हैं, बदनाम नहीं होंगे तो वो कहते हैं ना चस नहीं आएगी, तो वो बस वही है कि बस कोशिश तो आपकी तरफ से होती है कि यार कि टिक जाए। अब मैं कह सकता हूं कि मेरे में बहुत ज्यादा ठहराव आ रहा है, लेकिन आपने दिल भी तोड़े हैं। बस उसी की वजह से कार्मा ने हिट किया ना। जो तोड़े तो टूटे। अच्छा, ओके। और जिंदगी में शोहरत भी मिलेगी इस बच्चे को। अगर इनका कोई दुश्मन है तो इनका अपना दिमाग। अच्छा। क्योंकि इतना सोचते हैं, इतनी दही करते हैं अपने दिमाग की जो है वो, बस अल्लाह ना करे कि कभी इनको डिप्रेशन में ले जा सकता है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह रॉक करियर है। क्या सोचते हैं साहब, क्या कुछ ये पूछे हनुमान से? मैं चीजें इतनी ज्यादा कर रहा होता हूँ लाइफ में, तो मेरा खाली मॉडलिंग शोभा नहीं है, मैं अपने आप को कहता। उसके अलावा मैं लिखता भी हूँ, मुझे शेर व शायरी का बहुत शौक है, तो मैं पोएट्री लिखता हूँ। तो हो जाए सर, भी नहीं पता इस चीज का। अच्छा अच्छा, तो कोई शेर हो जाए, ना कोई शेर आ गया, ना शेर आया, नहीं कोई भी शेर, ना कोई शायस्ता, ना कोई अंबर, ना कोई राबता, ना कोई नंबर, इस तरह कहें कुछ। लड़कियों ने जिंदगी भर गम दिए, जितने भी नंबर दिए सब बंद दिए। बंद दिए या कम दिए? देखा भाई, यहाँ भी फ्लर्ट कर रहे हैं, यहाँ भी भाई, यहाँ भी कह रहे कम दिए। जी बिस्मिल्लाह करें, कुछ कलाम सुनाएं, कोई शेर थोड़ा सा, दो दो मिसरे जो लिखे हैं वो सुना। इससे ज्यादा सुनेंगे भी नहीं हम। कोई ना, आप बताएंगे जी। वो कौन है जो चला गया, मेरी बात को ठुकरा गया, एक सच था जो सुना गया, एक खत था जो पढ़ा गया। वो कौन है जो चला गया, वो रकीब था वो अजीब था, मेरे दिल के कितने करीब था, ना गरीब था ना अमीर था, कुछ लम्हों का हबीब था। वो कौन है जो चला गया, बिछड़ के वो मिला भी, मिला जैसे हो कोई अजनबी, दुनिया में मेले हैं कहीं, उसकी कमी भी है यहीं। वो कौन है जो चला गया। छोटे छोटे सवाल फरिया जी, जी प्लीज। कोई ऐसा काम जिसे करने से पहले पैसे भी मिले तो नहीं करेंगे? बेईमानी। बेईमानी जी। अपनी किसी आदत जिससे आप बहुत नाला हो? बहुत जल्दी ट्रस्ट कर लेना किसी पे भी। ओके। जिंदगी का कोई यादगार लम्हा? यादगार बहुत से लम्हे ऐसे, जैसे पुल में गाना गाया, और कोई ऐसी अचीवमेंट? अचीवमेंट बहुत ज्यादा, मैं समझती हूँ कि माँ बाप की दुआ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरे साथ, वो आज तक मेरे साथ हैं। अल्लाह ताला उनको सेहतमंद जिंदगी। कभी ऐसा हुआ है कि सुर गलत लग गया हो और लोग आगे से वाह वाह कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मुझे पता लग रहा होता है, उनको पता ही नहीं लगता। आजकल तो कोई ऐसा सिंगर जिसे सिंगर नहीं होना चाहिए था, वैसे तो बहुत सारे हैं। अगर तो आप इसको मेरा वापस आना कह रहे हैं तो रहन दो वाली गल्ला। हाँ जी, सॉरी कि मैंने कोई पूछ दिया, मैंने कहा तो है, मुझे सब अच्छे लगते हैं।
आखिरी बार चिलगोजा कब खाया नहीं वो जोक कितना अच्छा है ना कि 10 रुपए से चिलगोजे दें तो एक देख के कहते हैं डबल कर ले शॉपर बैग। आखिरी बार चिलगोजा कब खाया था? मेरा ख्याल बाकी जदों ते महंगे हुए ने शायद मैं आए कोई नहीं। कौन सा सब्जेक्ट बिल्कुल पसंद नहीं था आपको? मुआशरती उलूम। मुआशरती उलूम। फरिया जी कोई ऐसा काम जो बचपन में शौक से करती थी आप और अब करते हुए जान जाती है? इस वक्त तो ये जवाब देने में बड़ी जान जाती है। वाह क्या बात। क्या बात है, क्या बात है? इमी जी छोटे छोटे सवाल है, आपकी लेटेस्ट गूगल सर्च क्या है? Champ means wealth. Okay, and how much is that? It's in pounds. It's in pounds. सुबह तैयार होने में कितना वक्त लगाते हैं? 5 मिनट। बाल बन जाते हैं? बाल बन होते हैं। अच्छा, मैं अगर मैं दरखास्त करूं खोल के दिखाइए तो पॉसिबल होगा? बिल्कुल दिखा। अंदर से कुछ निकलेगा? दिखा बाल मुंडिया। फरिया पास करो कलर है। ओए ओए ओए। तेरी मेहरबानी, मैं तो देखन तो भी डर डर रही था। अभी तो स्प्रे इतना ज्यादा लगा हुआ है तो मैं देख रही हूं। चुड़ैल का बम फट गया। नहीं नहीं अच्छा लग रहा है। वाह 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 अच्छा लग रहा है। वाह वाह। ये बाल कब कटवाएंगे? जमीन में शहतूत लग जाएगा, कब कटवाएंगे? नहीं जब चिलगोजे देने लग जाएंगे। कोई सेलिब्रिटी जो आपको लगता है रियल लाइफ में इरिटेटिंग होगी? महवेश हयात। महवेश हयात। कभी किसी लड़की से फोन पे लड़की की आवाज में बात की? बचपन में लौट करवाया था। आप ये बरकत साहब को जरा लड़की की आवाज में फोन करके पूछे और कहें कि जरा बरकत जरा मेरा इजी लोड करवा, इजी लोड करा दो अब्बू हॉस्पिटल में। क्या हाल है तुम्हारे? क्या हाल है? मैं ठीक, आप कौन? क्या कर रही थी? मैं बात कर रहा हूँ आपसे। यार बात करो ना। मैं कर तो लूँ लेकिन बात ज्यादा लंबी ना हो जाए। यार तुम इतने में लोड करवा दो तो मैं कॉल बैक कर लूंगी। अच्छा क्या करूँ मैं? लोड करवा दो। मैं पहले से लोड हुआ हूँ। इस शो में ना होती तो क्या कर रहे होते? जिम, जिम का टाइम। नहीं इस शो में नहीं, इस शोबे में। क्रिकेटर होते हैं आप? क्रिकेटर होते हैं। ओके सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। नहीं बहुत शुक्रिया। जिंदगी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए, आप दोनों को अपने अपने टारगेट्स अचीव करने, अल्लाह पाक की रहनुमाई हो और आप अपने टारगेट्स इजीली अचीव करें। आमीन। जाने से पहले मैं दरख्वास्त अगर करूं और ऑडियंस से भी दरख्वास्त करता हूं कि खास ख्याल रखिएगा अपना और इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा हाजिर होंगे, लेकिन जाने से पहले हम फ्री है साहिबा से दरख्वास्त करेंगे कव्वाली जो कि मेरे लिए नहीं होगी बिकॉज आई नेवर हर्ड योर कव्वाली बिफोर। इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा, जो करम मुझ पे मेरे नबी कर दिया, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मैं सजाता था सरकार की महफिलें, मुझको हर गम से अपने बरी कर दिया, इस करम का करूं शुक्र कैसे अदा। Wow.